और मुंह पर बड़ा सा कट नमूदार हो चुका था, जिसकी वजह से इन्हें। हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूं तस्खीर और इस वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने वाले हैं। क्रिकेट के अंदर बाउंसर बॉल का बहुत बड़ा मकाम होता है, एक बहुत बड़ी चीज़ होती है बाउंसर, अगर आप उसको सही से इस्तेमाल कर लेते हो। एंड उसको शोएब अख्तर से बेहतर कौन समझ सकता है, कौन फेंक सकता है और उनसे ज़्यादा तेज कौन करा सकता है। तो देखेंगे टॉप 10 वर्स्ट बाउंसर्स बाय शोएब अख्तर, शोएब अख्तर के खूनी बाउंसर। तो बड़ा मज़ा आने वाला है इस वीडियो के अंदर, चलिए स्टार्ट करते हैं, बाकी बात हम बाद में करेंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। दोस्तों, क्रिकेट एक ऐसा खेल है जिसे दिलो जान से पसंद किया जाता है। इस खेल ने दुनिया में कई बड़े बड़े नाम पैदा किए और उन्हीं में से एक नाम क्रिकेट में अपनी रफ्तार की दहशत से दुनिया के बड़े से बड़े बल्लेबाजों के दिलों में डर पैदा करने वाले रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर का है। इस नाम को दुनिया के हर कोने में बच्चा बच्चा जानता है, जिसने अपने 14 साल कैरियर में दुनिया के नामी गिरामी बल्लेबाजों को धूल चिटाई। क्रिकेट में इनका मिशन इम्पॉसिबल था, यानी ये उस मिशन पर निकल चुके थे जहां पैसा और शोहरत इनके लिए कोई मायने नहीं रखता। ये बल्लेबाजों को आउट नहीं बल्कि जख्मी करने आते। लोग कहते थे कि 21वीं सदी में तेज गेंदबाज नहीं आएंगे, लेकिन फिर आए शोएब अख्तर, जिसने अपने डेब्यू मैच में ही वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों का बुरा हाल कर दिया और क्रिकेट की दुनिया में एक ऐसा बॉलर बनकर उभरा जिसने रफ्तार की जंग में सबको पीछे छोड़ दिया। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको शोएब अख्तर के कुछ ऐसे ही बाउंसर दिखाएंगे जिसकी वजह से कई बल्लेबाज मौत के मुंह में चले गए। नंबर 1, गैरी क्रिस्टन। दोस्तों, एक जमाना ऐसा था जब तेज गेंदबाज बिना हेलमेट के बल्लेबाजों को निशाना बनाते, मगर शोएब ने तो हेलमेट पहने बल्लेबाजों के चेहरे भी खून से लथपथ कर दिए। आइए मिलते हैं ग्रेट साउथ अफ्रीकन बल्लेबाज गैरी क्रिस्टन से, जो अपने कैरियर के अरूज पर ही रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर के गजब का शिकार हुए। दोस्तों, ये बात है 2003 की, जब पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान टेस्ट मैच खेला जा रहा था। गैरी 53 रन बना चुके थे और अपने बल्लेबाजी के जौहर दिखाने में लगे हुए थे। दूसरी जानब शोएब अख्तर भी ठंडी सांस नहीं ले रहे थे और स्पीड की वाट लगा रहे थे, और इसी दौरान शोएब का एक तेज बाउंसर जिसकी रफ्तार 155 किलोमीटर फी घंटा थी, गैरी के हेलमेट पर जा लगी, जिसकी वजह से हेलमेट की ग्रिल टूट गई और गेंद जबड़े में जा लगी। गेंद की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि इनका जबड़ा बुरी तरह से फ्रैक्चर हुआ और ये ऊंधे मुंह जमीन पर लेट गए। जब मेडिकल टीम ने देखा तो इसके मुंह से खून की धार निकल रही थी और मुंह पर बड़ा सा कट नमूदार हो चुका था, जिसकी वजह से इन्हें काफी अरसा खेल के मैदानों से बाहर होना पड़ा। डैम, बहुत ही खतरनाक बॉल थी, बहुत खतरनाक। 155 की स्पीड से हेलमेट भी नहीं झेल पा रहा बॉल यार वो। नंबर 2, ब्रायन लारा। नाजरीन, जब दुनियाए क्रिकेट के दागड़ बल्लेबाजों की बात करें तो ब्रायन लारा का नाम सबसे पहले आता है। ये उस दौर की बात है जब दुनियाए क्रिकेट में बल्लेबाजों की एक भीड़ थी और इस भीड़ की लगाम ब्रायन लारा के हाथ में थी, क्योंकि ये स्पेशल थे और अच्छे अच्छे बॉलर की जमकर पटाई करते। इनका बारी बल्ला रन्स के अंबार लगा रहा था, लेकिन सितंबर 2004 में इनका सामना रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर से हुआ। उस दिन लारा जब बैटिंग करने के लिए क्रीज पर आए तो शोएब अख्तर ने उनके पास जाकर कहा, आई एम गोइंग टू किल यू, यानी मैं तुम्हारी जान लेने वाला हूँ। शोएब का यह कहना ही था कि वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों के पांव से जमीन निकल गई और लारा के लिए क्रिकेट की तारीख का स्याह तरीन दिन साबित हुआ, जब शोएब की 150 किलोमीटर फी घंटा के रफ्तार से डाली हुई गेंद लारा की गर्दन पर लगी। जब गेंद लगी तो वो ऊंधे मुंह जमीन पर लेट गए। ये वही लारा थे जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्हें गेंद नहीं बल्कि फुटबॉल नजर आता है, लेकिन शोएब की गेंद से वो जमीन पर ढेर हो गए और इन्हें रिटायर हर्ट होना पड़ा। शोएब का ये बाउंसर इतना खतरनाक था कि लारा लगभग एक साल तक क्रिकेट के मैदानों से दूर रहे। शोल्डर और कंधे गर्दन के बीच में बिल्कुल लगी है।
नंबर 3 सौरव गंगोली। दोस्तों अगर इंडिया के बेहतरीन बल्लेबाजों की बात करें तो सौरव गंगोली का नाम जरूर लिया जाएगा। ये शुएब से कुछ ज्यादा ही खौफजदा थे और इनकी गेंदों को खेलने में अक्सर दिक्कत महसूस करते। वैसे तो ये दागड़ बल्लेबाज थे लेकिन शुएब की गेंदों को छोड़ना ही अच्छा समझते। ऐसा ही एक वाकया पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान वनडे मैच में देखने को मिला, जब शुएब का एक तेज बाउंसर सौरव की पसलियों में जा लगा जिससे इनका सारा वजूद हिल गया और वो अपना बल्ला छोड़कर पिच की दूसरी तरफ लेटने लगे और बुलंद आवाज में चीखें लगाने लगे, जिसके बाद इन्हें फौरी तौर पर फर्स्ट रेट देना पड़ी क्योंकि शुएब की ये गेंद 155 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से थी। अगर कोई और बैट्समैन होता तो शायद इसका हाल गंगोली से ज्यादा बुरा होता। इस हादसे के बाद सौरव को काफी देर टीम से बाहर रहना पड़ा। नंबर 4 जैक एलिस। दोस्तों कैलिस का शुमार उन बल्लेबाजों में होता है जिन्हें रन्स की मशीन कहा जाता है। इन्होंने अपने दौर के नामी ग्रामी गेंदबाजों को दिन में तारे दिखाए, लेकिन जब इनका सामना रावलपिंडी एक्सप्रेस शुएब अख्तर से हुआ तो ये पिघल गए। ये मैच रिटायरमेंट के बाद खेला गया जब शुएब सचिन की टीम से खेल रहे थे और कैलिस शीन वॉन की टीम से। इस मैच में शुएब ने कैलिस के खिलाफ इस कदर खतरनाक बाउंसर डाला जो विकेट कीपर के ऊपर से होता हुआ बाउंड्री के बाहर चला गया। अगर ये बाउंसर कैलिस के मुंह पर लगता तो इसके मुंह का क्या हाल होता, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वही होता जो क्रिस्टीन का हुआ था। ये बच गए, वही लगी नहीं। नंबर 5 सचिन तेंदुलकर। दोस्तों इंडिया और पाकिस्तान का मैच हमेशा से देखने के लायक होता है। इस मैच को क्रिकेट का सबसे बड़ा मैच कहा जाता है, इसलिए शायकीन क्रिकेट का वलवला आसमानों से बातें करता है और शायकीन क्रिकेट से ग्राउंड भर जाता है। और अगर इस माहौल में शुएब और सचिन का सामना हो तो हमारा जोश भी बढ़ जाता है। ऐसा ही एक वाकया पाकिस्तान और इंडिया के टेस्ट मैच में देखने को मिला, जब सचिन अपनी पूरी आबोताब से बैटिंग कर रहे थे और इसी दौरान शुएब ने एक तेज बाउंसर किया जो लिटिल मास्टर के सर पर जा लगा जिससे इनका सारा वजूद हिल गया। इस बाउंसर से सचिन को तो कुछ नहीं हुआ लेकिन क्रिकेट लवर को शुएब ने डरा दिया। अगर आप क्रिकेट लवर हैं तो सचिन के इस बाउंसर को कभी नहीं भूल पाएंगे। कमेंट सेक्शन में अपने पसंदीदा बाउंसर के बारे में जरूर बताइएगा। और अगर आप क्रिकेट से रिलेटेड और वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन पर क्लिक करना कभी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय। क्या खतरनाक बॉलर है भाई। शुएब अख्तर क्या खतरनाक बॉलर रहे हैं भाई, बहुत ही ज़बरदस्त। 10 वर्स्ट बाउंसर्स देखी हमने, ब्रायन लारा जैसे बल्ले, मतलब एक से एक बड़ा बल्लेबाज, एक से एक बड़ा नाम इसमें शामिल है इनके करियर के टाइम पे जो बहुत ही नामी ग्रामी बल्लेबाज रहे हैं। सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, सबके अच्छे करियर रहे हैं, अच्छे स्कोर्स, अच्छे रिकॉर्ड्स बनाए हैं इन लोगों ने। एंड जैक कैलिस, ब्रायन लारा, कैरी क्रिस्टन का तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मार पड़ी थी बॉल की, इतनी कि उनका यहाँ से घायल हो गया था, आंख बच गई थी या नील पड़ गया था, या ब्रायन लारा की हड्डी टूटते टूटते बची। एंड इतनी ज़बरदस्त खतरनाक बॉलिंग भैया, गॉड, 155 की स्पीड से बॉल पड़ रही है भाई, हेलमेट नहीं रोक पा रहा। हेलमेट क्यों बनाया गया है, हेलमेट बनाया गया भाई कि बॉल आपके मुंह को तोड़े ना, फोड़े ना, लेकिन उसके अंदर घुसकर शोएब अख्तर की बॉल इतना हंगामा मचाती थी, आतंक मचा देती थी, अंदर घुसकर तोड़फोड़ मचा देती थी, मतलब बॉडी को फेस को आपके तोड़ने की मतलब इतनी ज़्यादा ताकत रखती थी उनकी बॉल कि हेलमेट भी उसके आगे कुछ नहीं है, उसके अंदर घुसकर अपना वार चालू रखती थी बॉल। बाइक कभी चलाकर देखना 150 की स्पीड से कि कितनी तेज़ बाइक भागती है, जूम कर भागती है बाइक, तो आप सोच सकते हैं उतनी ही तेज़ बॉल जब आपकी तरफ आती है तो आप
कांप उठेंगे भाई, ऐसा माहौल होता होगा उस टाइम। एंड सचिन तेंदुलकर इसी स्पीड की वजह से उनके हेलमेट पर लगी बॉल वो बच गए, क्योंकि उनके हेलमेट के ऊपर के हिस्से पर लगी जहाँ पर फोम लगा हुआ होता है इनसाइड द हेलमेट, और वो थोड़ा सा झेल जाता है, इसीलिए वो होता है वो हेलमेट। जब बॉल पड़ती है तो थोड़ा ऐसा कर दबता है प्रेशर से, लेकिन फिर वो अपनी जगह पर आ जाता है। तो वो सचिन तेंदुलकर लगी थे कि उनके ऊपर यहाँ पर पड़ी बॉल, नहीं तो यहाँ जो जाली वाली होती है उस पर पड़ेगी तो वो बॉल झेल नहीं पाएगी। अगर बाउंसर है तो वो हेलमेट को भी ऊपर की तरफ ले जाएगी, और हेलमेट में जो भी चीज़ें लगी हुई हैं वो शायद आपकी स्किन को रगड़ कर ले जाएँ या फिर फाड़ दें, कुछ इस तरीके से हो सकता है जो कि गैरी के साथ हुआ। सचिन तेंदुलकर डरना चाह रहे थे लेकिन उनको समझ नहीं आया इतनी तेज़ स्पीड से आई कि मुझे इधर जाऊँ या इधर जाऊँ। आपने देखा होगा थोड़ा सा कन्फ्यूजन में लग रहे थे सचिन मुझे इसमें छोड़ने के टाइम पर कि मैं आगे जाऊं या पीछे जाऊं, लेकिन मौका नहीं मिला। इतने में उन्होंने खाली मुंह बचाया अपना और बॉल हेलमेट पर लग गई। इतनी ज़बरदस्त बॉल है, देखी खतरनाक किलर बॉल्स। सेक्शन में बताइए आपको कैसा लगा ये वीडियो, अगर पसंद आया तो लाइक करके शेयर करें। कोई भी क्वेश्चन या सजेशन कमेंट कर सकते हैं, ऐसे ही सजेशन देने के लिए भी कमेंट कर सकते हैं, और सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ।